अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 13 इयर्स बेबी का पेपलम फ्रॉक कटिंग करना दिखा रही हूँ। जैसा कि आपको पहले बेल बॉटम ट्राउजर गरारा नुमा कटिंग करना दिखाया, अम्ब्रेला उसका ही बचा हुआ स्टफ हम यूज करेंगे प्रिंसेस पैनल में, क्योंकि स्टफ कम होने की वजह से अगर हमारे पास स्टफ ना हो शर्ट का तो हम ब्लैक भी यूज करेंगे। सबसे पहले मैंने बॉडी की लेंथ लेनी है और विड्थ उसकी कटिंग करनी है, बाकी जो स्टफ रह जाता है उसको हम नीचे फ्लेयर में यूज करेंगे अम्ब्रेला कट में। ये 15 की लेंथ ली है और जो हमने विड्थ शोल्डर आर्म हो लेने हैं और नॉर्मल जो साइज है आपका बेबी का जो भी हो आप उसको इस तरह से यूज करें। देखिए डबल फोल्ड मैंने किया है, आप चाहें तो पैनल कट फ्रंट बैक पे भी डाल सकती हैं, चाहे तो आप सिर्फ फ्रंट फ्रंट आप पहले इतना सा कम कर लें या ऐसे कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं पहले बैक के पीस को ऐसे थोड़ा सा ज्यादा लूंगी डबल फोल्ड करने के बाद। ये देखें इस तरह से ऐसे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया तो ये डबल फोल्ड हो गया और 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया। ये देखें इसको मैं ऐसे कट करूंगी, हमने 5.5 या 6 इंच शोल्डर का निशान लगाना है और 6.5 ही मैं आर्म होल का यानी कि कंधे का निशान लगाऊंगा। ये देखें इस तरह से, क्योंकि टाइट अच्छा नहीं लगता और इसमें से हम पहले इसको कट कर लेंगे। और नेक लाइन आपने जो भी जैसी भी बनानी हो वो आपकी अपनी मर्जी है। पहले मैं बैक की कटिंग कर रही हूँ फिर फ्रंट की करेंगे ताकि हमारे पास जो स्टफ है वो जाया बिल्कुल भी ना हो। और चेस्ट के पास से जो भी फिटिंग आपकी बेबी की है वो उतनी ही रखें आप। ये देखें टोटल 9.5 है हमने सिलाई का मार्जिन रखने के साथ बाद में, यानी कि ये 1 इंच हमने सिलाई का मार्जिन लिया, ऊपर से 9 इंच ली है, नीचे से भी फिटिंग के पास से ये देखें हमने 9 इंच रखनी है और ऐसे ही स्ट्रेट कटिंग करनी है। देखें इसको हल्का सा यहाँ से फिटिंग और बाकी ऐसे ही और नीचे से हल्का सा कर्व की शक्ल देंगे जैसे शर्ट में ए लाइन में करते हैं। और नेक लाइन की भी वही कटिंग सेम, ये देखें 3 एंड 3। अब जो फ्रंट का पीस है ये हमारे पास अगर कम है तो हम इसको पहले डबल फोल्ड करेंगे और साइज देखेंगे, कम तो नहीं लेकिन हमने शोल्डर का साइज परफेक्ट चाहिए हमें, नीचे की हमें इतनी ज़्यादा हो नहीं होती क्योंकि प्रिंसेस जो कट होता है उसमें परफेक्ट साइज हमें शोल्डर चाहिए। ये देखिए अब मैं आपको इस तरह से ट्रिक दे रही हूँ, कम स्टफ में भी आप अपनी बेबी का ये देखिए यहाँ से 4 इंच तक आपने वही कट करना है जो आपके पास सेम ट्रिक है। आप नेक लाइन कुछ भी कैसा भी बना सकती हैं, ये मैंने सिर्फ निशान लगाया, आप इसे कोई भी शेप दे सकती हैं। देखें यहाँ से मैंने सिर्फ ये शोल्डर का और आर्म होल का निशान है, उसके बाद यहाँ से आपने राउंड करना है ऐसे, आपके पास जितना भी स्टफ है उसके हिसाब से करें। ये देखें आपको मैं इस तरह से भी दिखा देती हूँ, इस तरह से भी यहाँ से आप राउंड करेंगे और इसे ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपकी विड्थ है बॉडी की आप बैक के हिसाब से पैनल वो कट डालेंगी यानी कि कटिंग करेंगी ब्लैक कलर के। देखें कटिंग करते हुए राउंड की कटिंग चेंज हो जाती है और निशान लगाते हुए चेंज। अब नेक लाइन आपने जो भी कट करना है ये देखें इस तरह से आप इसको शेप भी दे सकती हैं, चाहे आप स्लिट ओपन भी कर सकती हैं, यहाँ से पाइपिंग लगाएं और उसमें प्यारे से टैजल या बटन लगाएं। अब ये देखें इसके बाद हमने यही साइज परफेक्ट रखना है और जो स्टफ हमारे पास है पहले से बचा हुआ इसको हम इस तरह से डबल रख लेंगे यहाँ 1 इंच नीचे की साइड एक्स्ट्रा रखेंगे और ऊपर की साइड ऐसे ही रख देंगे जो भी साइज हमारे पास है। इसके बाद हमने निशान लगाना है, पहले कटिंग नहीं करनी। ये देखें ये निशान लगाएंगे जो हमारे पास हमें चाहिए, इस तरह से हमने इसको निशान लगाया और पहले हमने इस निशान के साइड साइड में कटिंग करेंगे
ना के निशान के ऊपर, क्योंकि सिलाई का मार्जिन है। ये देखें इतना सा सिलाई का मार्जिन होना जरूरी है यहाँ से। अब आप इसे ऐसे दूर तक कटिंग कर लें, ना कि आप वहीं तक जहाँ तक निशान था। अब इसको यहाँ से ये स्टिच हो जाएगा। देखें परफेक्ट ऐसे स्टिचिंग का निशान आ गया। अब उसके बाद हमने जो बैक है इसको इसके साथ रखना है, और सेम इसी मैयर से हमने कटिंग करनी है जैसा कि हमने बैक की कटिंग की है, आर्म होल की भी। अगर आपके पास स्टफ कम रह जाता है पैनल में भी और जोर थोड़ा सा आ रहा है तो आप डाल भी सकती हैं, क्योंकि वो फिटिंग में चला जाएगा, तब फील नहीं होता। इस तरह से परफेक्ट होगी। यहाँ आप चाहे पाइपिंग लगा लें, चाहे कोई लेस भी लगा सकती हैं। इस तरह से ये परफेक्ट कटिंग शर्ट की पैनल कट प्रिंसेस कट तैयार हो जाएगी। स्टिचिंग के बाद भी आपको असल लुक नजर आएगी। अब इसके बाद नीचे का जो फ्लेयर है, वो जितना भी हमारे पास स्टफ है, ये 3 मीटर था। अर्स कम होने की वजह से हमने इसको इस तरह से तैयार करना है। अब ये देखें जो तमाम स्टफ है इसको हमने डबल फोल्ड करना है और लेंथ लेनी है अम्ब्रेला की। ये टोटल लेंथ मैंने फ्रंट बैक ये देखें इस तरह से टोटल ली है 32 की। फ्रॉक तैयार हमने रखना है 33 इंच का। बॉडी का हमने 14 इंच का पहले ही निकाल लिया। अब इसे इस तरह से अम्ब्रेले की कटिंग करेंगे, जैसा कि टोटल मैंने लेंथ दिखाई आपको डबल फोल्ड कर। ये देखिए किनारी वाले हिस्से से साइज लेते हैं, ना कि स्ट्रेट वाले हिस्से से। अब ये सारा ही कपड़ा है, मैंने अभी कटिंग नहीं किया क्योंकि हमने स्लीव्स भी इसमें से ही लेनी है। ये देखें आप सिलाई का मार्जिन साइड से किनारी वाला जरूर रखें, और आपने जो बॉडी का फिटिंग का निशान लगाना है वो आप बाद में कट करें, पहले नीचे से जो फ्लेयर हैं हमेशा वो कट करें। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट कट होगा, ना कि कोई अरेर या कोई रंग नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट। जब इतनी सारी फोल्ड हो जाता है ये हमारा कपड़ा तो कटिंग में थोड़ी सी दुश्वारी होती है, लेकिन आप ये देखें लॉन कॉटन में इजीली हो जाती है। अब ये इस तरह से हमने से ऐसे देखना है, यहाँ से हमने फिटिंग कितनी रखनी है, और इसको हमने बॉडी की फिटिंग रखी थी 9 इंच, तो हमने सिलाई के बाद 8 इंच रखनी है, क्योंकि अम्ब्रेला की जो हम कटिंग करते हैं वो थोड़ी सी कम करते हैं कि उसमें स्ट्रेच होता है और बॉडी में स्ट्रेच इतना नहीं होता, तो हम 8 इंच रखें। या जब स्टिचिंग करेंगे तो ये ऐसे थोड़ा सा कम भी हो जाता है क्योंकि इसमें स्ट्रेच होता है। ये देखें अब इसको इस तरह से कट कर लिया। अगर आप चाहें ये देखें इस तरह से बहुत ही प्यारे तरीके से ये अम्ब्रेला की कट हो गया। नीचे आप प्यारी सी लेस लगा लें, पीको करवा लें, इनर के तौर पर पाइपिंग ब्लैक लगा लें, जो भी आप करना चाहें। अब ये कितने अच्छे तरीके से अम्ब्रेला पेपलम फ्रॉक कट हो गया। अब इसके बाद जो टोटल कपड़ा हमारे पास बचा है, हमने इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है, क्योंकि कम स्टफ है तो हम इसको कुछ कोई भी शेप दे सकते हैं। अब ये देखें जो स्टफ है कॉर्नर सा, हम इसको पहले स्ट्रेट कर लेंगे, डबल फोल्ड करेंगे, फिर फोल्ड जो भी जितना भी है क्वार्टर स्लीव्स बने या फुल, हम इसी स्टफ में कंप्लीट करेंगे। ये देखें इस तरह से, और ऊपर से आर्म होल की कटिंग करेंगे, और यहां से थोड़ा सा लूज रखेंगे 8 इंच तक, और आगे से फिटिंग स्लीव्स की कर लेंगे यहां तक। ये देखें, और जो हमारे पास अम्ब्रेला यानी कि बेल बॉटम की कटिंग में से 2 राउंड बचे थे, हम इसको ऐसे इसको स्ट्रेट करेंगे, इसकी शेप सही करेंगे ताकि परफेक्ट मिल जाए हमें ये शेप, और इसको हम जो स्लीव्स की फिटिंग है उसके साइज से निशान लगाएंगे। ये देखें, क्योंकि अरे वाला हिस्सा थोड़ा सा छोटा भी हो जाए या अम्ब्रेले वाला, तो क्योंकि इसमें स्ट्रेच होता है स्टिचिंग के टाइम मुकम्मल परफेक्ट हमें मिल जाता है। देखें इसे ऐसे कट कर लें, अब ये इसमें ऐसे लग जाएगा। ये देखें तो प्यारा सा हमारा सूट कम स्टफ में तैयार है।
अब चाहें तो आप इसमें रेड कलर की पाइपिंग यूज़ कर सकती हैं, जो स्टफ बचा है ये भी लगा सकती हैं। अब आपको स्टिचिंग के बाद असल लुक दिखाऊंगी। अभी देखें कितने इजी ट्रिक से अम्ब्रेला कट पेपलम फ्रॉक, क्योंकि इसकी बॉडी थोड़ी सी लॉन्ग होती है, ज़्यादा नहीं, और ये बहुत ही खूबसूरत ट्रिक से तैयार हुआ है। प्रिंसेस कट पैनल के साथ अम्ब्रेला कट ही हमने स्लीव्स बनाए हैं, जैसा कि आपको बताया था वही कट जो हमने ट्राउज़र में से कटिंग किया था, छोटा सा पीस वही हमने स्लीव्स में लगाया, क्योंकि इसका ट्राउज़र भी आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग दिखाई है और उसी का स्टफ हमने स्लीव्स में यूज़ किया। कम स्टफ में इतनी बड़ी बच्ची का तैयार करने की ट्रिक आपको मिल गई होगी कि इतना प्यारा सा ड्रेस कितने कम स्टफ में हमने तैयार किया। उम्मीद है आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इसको डेकोरेट करना है तो अपनी मर्जी से अच्छे से प्यारे से बंचेस भी लगा सकती हैं आप, और इसको बुटीक स्टाइल बना सकती हैं ड्रेस को। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी हर जायज़ हाजात कबूल मंजूर हो। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।